नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुख करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। पेरिस ओलंपिक में भारत ने मेडल का खाता खोल दिया है। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने निशानेबाजी में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता और इस तरह वो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बन गई है। आपको बता दें कि भारत का मौजूदा पेरिस ओलंपिक में ये पहला मेडल रहा है। साथ ही ओलंपिक के इतिहास में भारत का यह शूटिंग में पांचवां मेडल है। पूरा देश खुश है। मनु ने शुरुआत की है ओलंपिक में मेडल से और अभी तो मनु के इवेंट्स बाकी हैं। उसके लिए मैं आप सबका, देशवासियों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हर मुकाम पे, विशेषकर पत्र कार बंधुओं ने और टीवी मीडिया ने ना मनु को बहुत हौसला दिया है, बहुत सपोर्ट किया है और उसको बहुत बार उसमें रखा है। तो मैं आप सबका विशेष धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ में मनु को जहाँ पे भी मदद मिली है वो लगभग हर कॉर्नर से मदद मिली है। स्पोर्ट्स मंत्रालय से भी टॉप्स एक डिपार्टमेंट है, वहां से स्पेशली फेडरेशन से उसकी सारी बातें मानी गई है, उसको सारे इक्विपमेंट और ये चीजों में हेल्प मिली है और ओजीक्यू उनका मदद करती है और साथ में जसपाल राणा के साथ में जुड़ने के बाद में मनु का हौसला जो है काफी बूस्टअप है और देशवासियों के दुआएं और आशीर्वाद से वो ये कर पाई। मनु कितने समय से जो है मेहनत कर रही थी शूटिंग का, कितने किस एज में उसको शुरुआत हुई? मनु 10th क्लास में थी तब स्टार्ट किया था 2016 में। 2021 में मनु का हौसला टूट गया था, 4 महीने का छोड़ दिया, तब कैसा लगा था आपको? कैसे नहीं, मनु सोच रही थी कुछ और करने के लिए और वो मनु की पुरानी आदत है, जैसे वो तांगता और कराटे में नेशनल जीतने के बाद आके हमें बता देती थी, पापा मैं अभी नहीं खेलूंगी, गेम चेंज करूंगी। वो पुरानी थी तो हम उसको जस्ट नॉर्मल उसको लिया था कि भाई उसका वो है। अभी एक बार बात तो हो जाए, उनका फोन ही बंद है। अभी बात होने के बाद में वही है कि विश क्या करना चाहेंगे। अभी तो ये शुरुआत है तो शायद एक बार देशवासियों को एक होता है ना कि टॉनिक मिला है तो आई होप कि वो और अच्छा करेगी अगले दो। कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देखते हैं आप इसमें? सर मीडिया आ गया, एक मिनट। हाँ, कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देखते हैं? कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देखिए, शूटिंग के लिए तो मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा जरूरत थी शूटिंग गेम में ना। इतने सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगभग 20,000 के करीब, स्पेशली हरियाणा के बहुत सारे शूटर हैं, तो इससे मैं ये कहूंगा कि इससे बहुत ज्यादा बूस्टअप होगा और ये गेम अपने आप में नई ऊंचाइयों पे जाएगा। मनु किसी गेम में रुचि थी या कुछ और चाहती थी करना? मनु क्या, मनु कुछ और चाहती थी खेलना, कुछ किसी और गेम में रुचि थी? नहीं, मनु ने बहुत सारे गेम चेंज किए हैं ना, 10th तक बहुत सारे गेम किए हैं। कराटे में वो नेशनल में सिल्वर मेडल है उनका, तांगथा में 3 बार वो नेशनल चैंपियन रही है, स्केटिंग में भी वो अच्छा करती थी और बचपन में मिनी क्यूबा को जानते होंगे, वहाँ पे बॉक्सिंग में वहाँ पे छोटी एज में चैंपियन थी, तो उसने बहुत सारे गेम किए हैं। तो ये तो मुझे लग रहा है कि अभी क्योंकि शूटिंग ज्यादा ट्रांसपेरेंट गेम है तो शायद यहाँ पे टिकी। मेरी मनु से कभी कोई उम्मीद नहीं रही, बस मेरा ये रहता कि मेरी बेटी जहाँ जाए ना वहाँ से खुश होके घर आए, बस मेरी बेटी का दिल ना टूटे। कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस जैसा मैं हमेशा इससे ही करके आ रही, वैसा ही महसूस कर रही हूँ। डॉक्टर बन पाऊंगी, मन का नहीं तो अच्छी डॉक्टर बनेगी तो डॉक्टरी बन जाए, मेरे को भी जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर के पास जाने की, मेरे घर में एक डॉक्टर रहेगा, इसलिए ये था मेरा मनु। एक्चुअली जिस हाउस में रहती हूँ, जैसे 4 हाउस होते हैं तो स्कूल में पढ़ती थी, 4 हाउस, तो जिस हाउस में मनु होती थी ना तो 3 हाउस वाले डर जाते थे कि मनु जिस हाउस में होगी ना वही हाउस सारे मेडल ट्रॉफी जीत के लेके। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेरिस ओलंपिक में भारत की मनु भाकर के पहले कांस्य पदक जीतने पर ट्वीट किया है, जिसमें सीएम ने मनु भाकर को बधाई दी है। तो चलिए ट्वीट के जरिए देखते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कुछ लिखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा, पेरिस ओलंपिक 2024 में आयोजित 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर मां भारती को गौरव भूषित करने वाली प्रख्यात निशानेबाज मनु भाकर जी को हार्दिक बधाई। उनकी यह जीत
असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा है। विजय का यह क्रम अनवरत जारी रहे, स्वर्णिम भविष्य की अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद। लखनऊ के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय राज्यसभा सदस्य एवं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पत्रकार वार्ता की, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के बजट को देश के विकास में मील का पत्थर बताया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी इस दौरान जमकर निशाना साधा है। संसद का बजट सत्र चल रहा है और एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत हुआ है। ऐतिहासिक इस दृष्टि से कि प्रधानमंत्री श्री देखा सवेरे तो पढ़ रहा है कति नॉन स्टॉप इनकी तो बातें चले जा कति नॉन स्टॉप मार दूसरी बातें नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, मारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, मारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम, ले तू भी करन लग गए नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। मित्रों, संसद का बजट सत्र चल रहा है और एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत हुआ है। ऐतिहासिक इस दृष्टि से कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार जन समर्थन के साथ सरकार गठित होने का यह अवसर 60 साल के बाद भारत के इतिहास में आया है। परंतु यह अवसर इसलिए और ऐतिहासिक हो जाता है कि जो पिछली बार पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में तीसरी सरकार बनी थी वो लोकतंत्र का शैशव काल था, अब यह लोकतंत्र की परिपक्वता का काल है। तो एक परिपक्व लोकतंत्र में जन समर्थन के साथ सरकार बनाने का ये एक अभूतपूर्व अवसर है। एक और बात, महंगाई की दर अभी भी 5% है जो रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर है। मैं विनम्रता से और चुनौती से अपने विरोधियों से पूछना चाहता हूं, लंबे समय तक वो शासन में रहे, अपने शासनकाल के कोई 5 साल बता दें जब 5 साल 5% से कम विकास की दर रही। हमें जब सत्ता मिली थी तो मैं कोट करना चाहता हूं, अरुण जेटली जी ने 2014 में जो पहला बजट दिया था उसमें उन्होंने कहा था डबल डिजिट इन्फ्लेशन एंड सब 5% ग्रोथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, यानी 5% से कम की ग्रोथ थी और डबल डिजिट इन्फ्लेशन था, यानी दहाई अंक में महंगाई की दर थी। और उस समय मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, अगर आप लोगों में से किसी ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ी हो या IMF की रिपोर्ट पढ़ी हो, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ने भारत की रेटिंग स्टेबल से निगेटिव कर दी थी और वही सेम स्टैंडर्ड पुअर आज ये कह रहा है कि भारत बहुत शानदार ढंग से आगे बढ़ रहा है और अगले 24 महीने ने अगले 2 साल भी वो निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। हिंदू युवा वाहिनी के निवर्तमान जिला संयोजक ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में पुलिस और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से जनता टीवी के संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। इन दिनों पूरे देश में रायबली जिले का नाम चारों तरफ हो रहा है। कारण, रायबली जिले में आने वाला सलोन कस्बा। सलोन कस्बे में बने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र इन दिनों देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस समय हम मौजूद हैं उसी जनसुविधा केंद्र पे, जहां को लेकर के आज पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि करीब 20,000 से 30,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र इस जनसुविधा केंद्र द्वारा बनाए गए हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि आखिरकार इतने समय से ये फर्जीवाड़ा हो रहा था और इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को नहीं हो पाई, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। इसको लेकर हम बात करेंगे यहाँ के लोकल के रहने वाले कुछ लोगों से और सबसे पहले बात करेंगे हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक जितेंद्र सिंह से, जिन्होंने सबसे पहले इस मामले को लेकर के फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? इसकी जानकारी सबसे पहले यहाँ पे हमारे जो है लोकल व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे प्राप्त हुई हमको,
पहला मामला ग्राम सभा पालीपुर का नज़र एक मामला प्रकाश में आया, जिसको लेकर हम लोगों ने गंभीरता दिखाई। फिर मामला बहुत ही दिन ब दिन बढ़ता चला गया और जिसकी जनसंख्या करीब फर्जी जन प्रमाण पत्रों की 50 से 60 हज़ार से अधिक पाई गई है। क्या लग रहा है, इतने काफ़ी समय से ये फर्जीवाड़ा हो रहा होगा, अचानक से इसका खुलासा होना, क्या मानते हैं रायली जिला प्रशासन की नाकामी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक अधिकारी जो भी बैठे हुए हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी की आईडी लेके फर्जी तरीके से जो है जन प्रमाण पत्र जारी किया गया मुसलमानों का, रोहिंग्याओं का, तो ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, घुसपैठ है और देश में ऐसे लोगों के जरिए से ही घुसपैठ और आतंकवाद बढ़ता है और इसकी जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर है भाई, वो जो है सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, NSA जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का संबंधित मामला है और हमारी मांग भी रही है कि इसकी इस घटना की पूरी जांच जो है NIA द्वारा और कराई जाए और सभी दोषियों पर और NSA लगाया जाए। अच्छा, अभी आपने बोला कि इसकी हम मांग कर रहे हैं केंद्रीय एजेंसियाँ इसकी जाँच करें, क्या रायबरेली प्रशासन पर यकीन नहीं है? नहीं, रायबरेली प्रशासन पे यकीन का क्या है प्रश्न है, जो है यकीन अब जो कर रहे हैं वो तो सामने दिखाई पड़ रहा है, कहीं ना कहीं लीपापोति और खानापूर्ति जैसे जो है कार्य हुए हैं और बहुत ज़्यादा कड़ी कार्रवाई जो होनी चाहिए उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, अभी तो जांच पड़ताल चल रही है, एकदम से कार्रवाई होना संभव लग रहा है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम के प्रति जो है एकदम बिल्कुल परम पूज्य महाराज जी जो है सक्रिय हैं और कहीं भी ऐसी घटनाएं होती हैं तुरंत का तत्काल बुलडोजर जैसी कार्रवाई होती है। हम लोगों को भी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने पूज्य महाराज जी से, कि यहाँ पे भी बुलडोजर जैसी कार्रवाई होगी इन दोषियों के ऊपर। जैसे कि और लोग भी मौजूद हैं, इन्हीं से जानना चाहेंगे, भैया फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, इन दिनों देखा जाए सलून कस्बा पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ, 20 से 25 हज़ार जन प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र बनते हैं, अचानक से खुलासा होता है, क्या मानते हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं रायबरेली जिले प्रशासन को लेकर या जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे इन लोगों को लेकर? निश्चित तौर पर बहुत शर्मनाक है, क्योंकि सलून कोतवाली और सलून कस्बे में ये ऐसा कृत्य चल रहा था सलोन कस्बे में कोतवाली से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे, अगर ऐसे कृत्य चल रहा था तो प्रशासन कहाँ था? और ये विगत कई वर्षों से चल रहा है और इस पे अगर प्रकाश डाला जाए तो ये इतनी निंदनीय कार्य है कि इसको तो सरेआम चौराहे पे गोली मार देना चाहिए, इसको जो ये लगाते हैं सरतन से जुदा, इनको मार के जूतों से सरतन के जुदा नारे लगाना चाहिए। उसके बाद मैं ये, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू कम्युनिटी सबका साथ सबका सम्मान लेके हम लोग एक नारा देते हैं, तो हम लोगों के अंदर ये सब नहीं है, मगर अगर, और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ का मंत्री है जो इस फर्जीवाड़ में सबसे ज्यादा संगलित है, वो मंत्री स्कॉर्पियो फॉर्चुनर से चलता है, एक उसकी सैलरी अगर अभी उसका देखा जाए तो 52 से 53 हज़ार उसकी सैलरी है और स्कॉर्पियो फॉर्चुनर चल रहा है, और सपा के बड़े बड़े नेता बताता है कि मेरे उससे संबंध है जो यहाँ मंत्री है, और ये दोनों की मिली भगत हो के इतना फर्जीवाड़ा, इससे हिंदू कम्युनिटी धीरे धीरे कमजोर हो रही है और ये मुस्लिम रोहिंग्या पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश और कई देशों से यहाँ आके गुजर बसर करें, क्योंकि भारत ये अनाथों का देश है, यहाँ साले ढेर अनाथ आएंगे और साले यहीं बस जाते हैं और जब तक इनको मारेंगे नहीं, इनको ढूंढ ढूंढ के इनको मारना पड़ेगा, इस जिसान जैसे आदमी को, इसको साले को सरेआम, मेरा तो यही कहना है कि इसको पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए, इसको सरेआम जूता बाजार होना चाहिए साले का। जैसे कि और लोग मौजूद, भैया क्या मांग कर रहे हैं, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, अब ATS के पास मामला है, क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि ये, चूंकि ये देश की सुरक्षा संप्रभुता से जुड़ा हुआ मामला है, इसकी जाँच केंद्रीय एजेंसियाँ करें तो बहुत बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं, और चूंकि कई प्रदेशों में फैले हुए, हो सकता है अब हमारे देश की आईडी से कुछ लोग विदेश चले गए हों, हो सकता है किसी अन्य रास्ते से पाकिस्तान आते हों, हमारी ट्रेनिंग देने जाते हों, दूसरा इनके पास इतना पैसा आया, उस टेरर फंडिंग की भी जांच होनी बहुत आवश्यक है, तो इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं, आदरणीय गृहमंत्री जी से निवेदन करते हैं, पूज्य महाराज जी से निवेदन करते हैं कि इनको केंद्रीय एजेंसी से इस मैटर की जाँच कराई जाए। जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनकी एक मांग है केवल कि इस मामले को देश की सबसे अच्छी एजेंसी से जांच कराया जाए, और सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि आखिरकार इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होता रहा और उसकी भनक रायबरेली जिला प्रशासन को नहीं हो पाई, तो ये कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा का मामला है, तो देश की सुरक्षा में अगर ऐसी चूक रायबरेली जनपद के अधिकारियों से हो रही है तो क्या उन दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, यह तो आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन फिलहाल इस मामले की जाँच पड़ताल ATS कर रही है। अब देखने वाली बात क्या होगी कि आखिरकार कितनी जल्दी यह जांच पूरी होती है और कितनी जल्दी दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। राहुल मिश्रा, जनता TV, रायबरेली।
जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कहते नजर आए कि संगठन और योगी सरकार के नेतृत्व में गारंटी से कहता हूं, हम सभी उपचुनाव जीतेंगे। स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या पहुंचे, इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कहते हुए नजर आए कि उपचुनावों में दसों की दसों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करते हुए नजर आएगी। मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम दसों की दसों सीटें उपचुनाव में जीतते नजर आएंगे। मैं कह रहा हूँ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एक तरफा चुनाव हम जीतेंगे सभी से। देखिए, देश का बजट चाहे राज्य सरकार की बजट है, आप देखते होंगे कि केंद्र सरकार का भी बजट जो हम लोग बजट की घोषणा करते हैं, हम साल भर में रिपोर्ट कार्ड लेकर धरती पर जाते हैं और लगभग आप जितना हमारे बजट पास हुए लगभग लगभग उसमें 99% के हमारे काम जमीन पर धराते हैं। जो लक्ष्य हम लेकर देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास है, सड़कों से जानो आई हाईवे नेशनल हाईवे हो या एयर कनेक्टिव मेडिकल का हो सब फैसिलिटी, ये भी आप जो बोले इसको मैं व्यक्तिगत देखवा लूंगा, लेकिन हम हर साल रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाते हैं।